गाइज वेल कम बैक टू माइंड क्राफ्ट सर वाई वर्ल्ड सीरीज जहां मैं चिकन खाता हूं और आप लोगों को जलाता हूं यस चलो 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 सो या गाइस वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट मैं वापस आ चुका हूं माइनक्राफ्ट के साथ वापस और गाइस आप लोग पीछे की तरफ देख सकते हो मैंने क्या बनाया है yes. यस सो गाइज़ फाइनली आई मेड अ एक्सपी फार्म फॉर मी और गाइज ये वाला एक्सपी फार्म बहुत अच्छा है देखो मैं यहाँ पे पाँच मिनट बस अभी एफ के खड़ा था और देखो कितने सारे मॉब्स आ गए हैं और यार बहुत अच्छा एक्सपी फार्म है ये और गाइज मेरा विश्वास करो मैंने ये सर्वाइवर में बनाया है मैंने ये रिकॉर्ड किया था मुझे लगा था मैं इस वीडियो मैं इसको वीडियो में बनाऊंगा लेकिन गाइज़ क्या हुआ ना मैं अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली कर रहा था और गलती से गलती से मेरे से वो वीडियो डिलीट हो गई सोचो मैं कितना बड़ा गधा बेवकूफ़ हूँ लेकिन कैसे आप लोग को मेरा विश्वास करना पड़ेगा प्लीज़ यार मैंने जब सर्वाइवल में बनाया है प्लीज़ बिलीव मी प्लीज़ मैंने सच में सर्वाइवल में बनाया है और यार बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में बहुत ज्यादा और मैंने काबल स्टोन जनरेटर भी बनाया है, आप लोग वहां पर देख सकते हो अब आपस में मत लड़ो आपस में मत लड़ो मेरे हाथों मर के तुम्हें एक्सपी देना है मुझे मेरे हाथों मरो येस ओ भाई साहब कितने सारे मॉब्स आए होते हैं या लेकिन जॉम्बीज ही ज्यादा जा, हैं जॉम्बीज से उतना एक्सपी नहीं मिलता है स्केलेटन से ज़्यादा एक्सपी मिलता है खैर कोई नहीं जो भी है और ये तीन शॉट कैसे मरा यार मतलब इतना ऊंचा से ये लोग गिर रहे हैं कि शॉट में मर जाना चाहिए खैर कोई नहीं छोड़ो हो गिच हो गया होगा और भाई आओ कोई आओ सो so गाइज इस एक्सपी फार्म को बनाने का मेरा पर्पस क्या है या yeah. सो so इस एक्सपी फार्म को मैं पहले घर में चलता हूँ हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि इस एक्सपी फार्म को बनाने का है फॉर्च्यून थ्री अब यार क्रीपरों ने गड्ढा कर दिया क्रीपरों की ऐसी की तैसी हाँ तो मैं बोल रहा था कि इस एक्सपी फार्म को बनाने का पर्पज है फॉर्चून थ्री क्योंकि आप लोग को पता है मुझे फॉर्चून थ्री मिल रहा है इससे मेरे क्या कहते हैं इसको यार हाँ इंचैटमेंट टेबल से हाँ और भाई गधेरू आई मीन गधेरु और डोगू कैसा है यार कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ तुम लोग से कैसे हो कैसे हो ओ, बहुत ज़्यादा क्यूट हो तुम लोग ओके सो मैं बोल रहा था कि हमें चाहिए फॉर्चून थ्री जो कि मेरा इंचैंटिंग टेबल मुझे दे रहा है लेकिन यार ऐसा तो रहेगा नहीं थर्टी लेवल्स देगा दुनिया में कोई चीज़ फ्री की मिलती नहीं है ओके सो मुझे थर्टी लेवल्स चाहिए थे इसलिए मैंने एक्सपी फार्म को बनाया है और एक्सपी फार्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन कैसे अभी ये देखो मुझे तीन तीन थी इंचड बोर्ज मिले हैं जिसमें बहुत अच्छा शा, अच्छा 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 इंचमेंट लगा हुआ है अनब्रेकिंग पावर पंच सब लगा हुआ है तो अभी ना मैं इन्हें कंबाइन करने वाला हूँ और मुझे ये स्केलेटन्स को मार के मिले जो स्केलेटन्स आते हैं मेरे एक्सपी फार्म में मैं उन्हें मार के मिले मुझे ये और अभी मैं मुझे इन्हें कॉम्बाइन करना है तो कॉम्बाइन करने के लिए मुझे चाहिए एनुअल और यार एनुअल बनाते कैसे मैंने आज से पहले कभी भी एनवल नहीं बनाया है सो लेट्स सी एनुअल बनाते कैसे हैं लेट्स उट इट हाउ टू मेकिल तीन आयरन ब्लॉक और चार आयरन इन गॉट ओके तो मैं तो बना सकता हूँ आया गैस आई गैस की मैं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना तो है बस यार आयरन कम ना पड़ जाए ओके okay, ये देखो ये रहा आयरन ब्लॉक यस ये रहा आयरन ब्लॉक एक दो तीन चलो बढ़िया है तीन ही बनाना है मुझे और अब मैं एनविल बना सकता हूँ एग्ज़ अब शायद से मैं बना सकता हूँ वी आई ओके नाइस नाइस गाइस हमने बना लिया अपना फर्स्ट एनविल और मैंने सुना है कि एनवल से हम लोग अपनी चीज़ें रिपेयर भी कर सकते हैं तो अबे यार शेट चलो कोई नहीं तो मैं इस एनविल को रखूँगा हाँ मैं नीचे नहीं रखना चाहता फॉर सम रीजनस मैं नीचे नहीं रखना चाहता तो ऊपर चलते हैं गाइज मेरा ऊपर का फ्लोर कितना ज़्यादा अच्छा है पेंटिंग है इंटाइटमेंट सेटअप है बहुत ज़्यादा बढ़िया है शीशा भी कितना अच्छे से लगा हुआ है तो मैं फिलहाल के यहाँ पर रख देता हूँ और वो बोज लाओ एनचेंटेड बोज ओके गिव मी डैट एंड गिव मी डैड आल्सो ओके नाइस अनब्रेकिंग वन पावर टू पंच वन बहुत सही ये लाओ चलो इसे कंबाइन करो और ये रिपेयर भी तो करना है अभी उतनी भी रिपेयर नहीं है चल तू आ और तू आ ओके भाई भाई बहुत सही और इसे भी कॉम्बाइन कर ही देता हूँ अच्छे से रिपेयर हो जानी चाहिए मेरी बो ओबे कैसे होगा वैसे ओ ऐसे नाइस को क्या भाई साहब हेलो मेरे ट्वेंटी फोर लेवल्स थे क्या यार ऐसी की दुनिया की ये क्या ट्वेंटी ऐसी की ऐसी यार मुझे कितना टाइम लगा था वो ट्वेंटी फोर लेवल्स लेने में वो सेक्सपी फार्म से भाई साहब यार ये क्या हो गया अभी मेरे को फिर से तो जाके लेवल्स देने पड़ेंगे खैर इस बार मैं डायरेक्ट थर्टी लेवल्स करूंगा क्योंकि थर्टी लेवल्स मुझे क्यों चाहिए मैं आप लोग को बता चुका हूँ आई नीड फॉर्चून थ्री फॉर्चून थ्री का क्या यूज़ है आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो यार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है <coughs> तो भैया बंद हो जा सिम सिम ओके सो लेट्स गो यार लेकिन ये या, एक्सपी फार्म अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा ना स्लो काम करता है <coughs> थोड़ा सा स्लो भी है क्योंकि यार इसमें स्पॉन होते हैं लेकिन उन्हें गिरने में टाइम लगता है और यही वजह है कि थोड़ा स्लो है मेरे को टाइम लगने वाला है फिर से इकट्ठा करने में यार मेरे को ना कोई रूट बनाना पड़ेगा बार बार मेरे को अपने खेत से घूम के जाना पड़ रहा है चलो कोई नहीं बना लेंगे वो भी यार क्रीपर ने देखो गड्ढा कर रखा है गड्ढा ही गड्ढा यहाँ पे भी एक और गड्ढा है क्रीपर भी ऐसे की तैसी ओके सो ये रहा मेरा एक्सपी फार्म और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अबे कोई मॉब क्यों नहीं आया हो अभी अच्छा हम मेरे को ए एफ के खड़ा रहना पड़ता है ना ये भी एक ड्रामा है माइनक्राफ्ट का खड़े रहो एफ के ऐसी कितने ऐसी बोरिंग नहीं तो खैर कोई नहीं करना तो पड़ेगा मैं ऐसे बहाने नहीं, नहीं बना सकते और देखो यहाँ पे चेस्ट प्लेट मुझे गोल्डन चेस्ट प्लेट मिली है जिस पर लगा है ब्लास्ट प्रोडक्शन टू इसे मैं ठीक करके पहनने वाला हूँ क्योंकि इसे मैं पहन लूंगा ना मुझे क्रीपरों से ज़्यादा खतरा नहीं होगा इस पर ब्लास्ट प्रोडक्शन लगा है तो क्रीपर अगर मेरे सामने लगेगा ना आई मीन फटेगा ना तो मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है ये यहाँ पे मॉब्स आ रहे हैं और मुझे एक्सपी दिला रहा है थैंक यू सो मच मॉब्स और भैया दिखाओ चेस्ट ओके मैं मैं मेरे मेरे को इस चीज को खोल के चेक करने का आदर था पता नहीं क्यों ऐसे की तैसे चलो कोई नहीं और भाई और आओ कितना इंतजार करवाओगे यार इसलिए मैं कहता हूँ एक्सपी फार्म ना थोड़ा सा मतलब स्लो है यार थोड़ा सा स्लो है बस ज़्यादा नहीं बाकी तो बहुत ही बढ़िया एक्सपी फार्म है और यार मुआवजा नहीं रहे हैं जल्दी आओ ना अबे क्या हो गया लड़ाई हो गई का तुम लोगों में जल्दी आओ ना ऐसी की तैसे तुम्हारी ओहोह और गाइज मैंने एक जनरेटर भी बनाया था आप लोग को दिखा रहा होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं और ये देखो अबे क्रीपर नहीं ऐसी ऐसी। ओ भाई साहब कर दिया रे हलकट क्रीपर यार इससे पहले कोई, कोई और मोब आए मुझे जल्दी से इसे ढकना पड़ेगा यार उस क्रीपर ने मुझे देख कैसे लिया यार मैंने मुझे पूरा ढका हुआ है उसने मुझे देख कैसे लिया हाउ द हेल ही सॉमी यार रुको मैं लावा में ना गिर जाऊँगा मेरा कोवस्तौन जनरेटर है मैं लावा में गिर गया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरी चलो कोई नहीं यहाँ पे आओ और यहाँ पे टॉर्चेस के भी ऐसी की तैसी हो गए टॉर्चेस लगाए थे मैंने चल 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 भाई ढक जा और कहाँ से डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ से ओके नाइस यहाँ पे भरो रो यहाँ पर भरो ओके okay. सब कुछ ठीक हो गया ना अबे नहीं यार मैं मारूंगा कहाँ से मॉपस को मारूंगा मैं कैसे अबे हॉपर कहाँ आ गया यार एक हॉपर भी मिसिंग है क्या इस चेस्ट में गया क्या ओके okay, देखो ये हॉपर मैं तो डरी गया तो मैं हॉपर कहाँ गया ओके okay, नाइस nice. तो भाई हॉपर लाओ और आ रहे हैं क्या आके मर रहे हैं क्योंकि एक लेवल कम हो गया है ना इस वजह से आके वो लोग मर ही जा रहे हैं तो यार लाओ ये हॉपर लाओ इससे यहाँ पर ऐसे लगा दो ये कैसे वो ऐसी कितने ऐसी यार इसे तोड़ो अब इसे तोड़ूंगा तो ये जाएगा इस चेस्ट में और उस चेस्ट को खोलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसी की तैसी जिंदगी की हाँ नहीं तो लगी पड़ी पूरी जिंदगी की हाँ नहीं तो ओके तो मैंने इसे खोला इसमें हॉपर नहीं है यार ओ यहाँ पे आना मैंने हॉपर खोल लिया था गलती से चेस्ट खोला और दो दो हॉपर क्या कर रहे हैं छोड़ो हटाओ मैंने रख दिया होगा और यार लोग मरे जा रहे हैं मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा अरे यार मैं बार बार इसको भी खोल रहा हूँ मैं पाल लू की यार कसम से मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है तो इसको लो भाई लो ओ ये सर्वाइव कर गया थैंक यू थैंक यू गिव मी योर एक्सपी पॉइंट्स या गिव मी योर स्वीट स्वीट एक्सपी पॉइंट्स हाँ 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 ओके नाइस यहाँ पे स्निक करो यहाँ पे लगाओ एक मिनट कैसे होगा ओ यहाँ पे मेरे पास एक और है ना मतलब दोनों टूट गया था यस और इसको तोड़ो इसको तोड़ो भाई साहब फाइनली ये ठीक हुआ नाइस चलो ओके नाइस फाइनली लेकिन कुछ तो मिस ही लग रहा है स्लैब्स स्लैब्स कहाँ गए मेरे यार मेरे पास भी नहीं है इन्वेंटर में भी नहीं है कहाँ गए स्लैब्स मेरे यार आ आ जाओ कोई ओ, आ गया अबे क्रीपर की ऐसी की तैसी यार इसके पास नहीं तो मेरे को डर लग रहा है ऐसी की तैसी चल बोका <laughs> ये क्या हो गया चलो कोई नहीं क्रीपर मर गया ओ, और मुझे एक्सपी मिल गई बहुत सही यार रुको मैं, मैं स्लैब्स लेके आता हूँ ओके okay गाइस मैंने लगा दी है स्लैब्स और गाइस अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुझे चाहिए थर्टी लेवल्स तो मुझे यहाँ पे ना एफ के खड़ा रहना पड़ेगा पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है लेकिन यहाँ खड़ा तो रहना पड़ेगा तो मैं ऐसे मिलता हूँ थर्टी लेवल्स करने के बाद हाँ गाइस मत पूछना मैं यहाँ पर कितनी देर से खड़ा हूँ यार पता है मैं डेढ़ घंटे से यस डेढ़ घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा होके इन्हें मार रहा था और अब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू की है मैं घड़ी देख के बता रहा हूँ डेढ़ घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ तब जाके थर्टी लेवल्स हुए हैं मेरे और अभी अभी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू किया भाई साहब एक्सपी फार्म अच्छा तो है बट बहुत ज़्यादा स्लो है इस वजह से मैं और एक एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ नहीं ये वाला नहीं बनाने वाला उसके बगल में एक और बनाने वाला हूँ लेकिन मैं थोड़ा कैक्टस वैक्टेस वाला बनाने वाला हूँ जो बीस बार शुक बनाया था वो एक्सपी फार्म बहुत अच्छा है उससे बहुत जल्दी जल्दी एक्सपी मिलती है लेकिन यार अभी निकलो बहुत ज़्यादा थक गया मैं एंड आई एम ऑलरेडी फ्रस्टेटेड यस गैस आई एम ऑलरेडी फ्रस्टेटेड मैंने सोचा था फॉर्चून थ्री लूँगा और फिर <coughs> अबे स्पाइडर ऐसे कि तैसी तेरी मेरे से भिड़ेगा मेरे से भिड़ेगा मेरे से भिड़ेगा चल ऐसी कि तैसी औकात में रही हो हाँ तो मैंने सोचा था कि मैं फॉर्च्यून थ्री लूँगा और जाऊंगा डायरेक्ट ही वहाँ कहाँ यार कहाँ हाँ डायमंड माइनिंग करने के लिए फॉर्चून तरी से लेकिन गाइज आज वो काम नहीं हो पाएगा सॉरी बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी फ्रस्टेटेड और मैं बस जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करके थोड़ा आराम करना चाहता हूँ डेढ़ घंटा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ये जमा करना आसान बात नहीं है ठीक है और ये जॉम्बे प्लीन यहाँ के कर रहा है बे इधर इधर नेत्र में तो बड़ा चौड़ा बनता है ऐसी की तैसी तेरी डरता नहीं हूँ तेरे पूरे खानदान से ठीक है किसी को भी बुला के ले आई यू डरता नहीं हूं मैं ठीक है ऐसी की तैसी तेरी चलने गई मेरा डॉग भी मेरे साथ है यही मैं कुत्ते बुलाते रहता हूँ गई आप लोग मुझे कोई नाम सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में बस जल्दी से मैं कोई नाम सजेस्ट करो मैं इसका वही नाम रख दूंगा जो मुझे नाम पसंद आएगा खैर अभी चलो घर के अंदर और यार मेरे पिकैक्स लॉर्ड डायमंड पिकैक्स मैं बस इस पर फॉर्चून थ्री लगाऊंगा और फिर वीडियो एंड करूँगा ऐसी की तैसी ओके इस पर ध्यान मत दो मैंने वो बेड पर शूशू कर दिया था चलो लाओ वॉट हेल यार मेरी अब पिक कहाँ चली गई मैंने ये कहीं रख दिया होगा लेट मी चेक यहाँ क्या नहीं है यहाँ ओके यहाँ पे है यार मैं इतना लापरवाह हो गया हूँ कसम से ये यहाँ की चीज़ वहाँ रख दिया मैंने लाओ भाई लैपिस अबे यार लैपिस लजुल भी नहीं है कसम से कहाँ रख दिया मैंने अभी ओके लेट्स गो ऊपर और भैया अभी सेटअप धोखा मत दियो फॉर्चून थ्री देना प्लीज़ पहले मैं भूख मिटा लेता हूँ और जिसका था मुझे इंतजार जिसके लिए मैंने डेढ़ घंटा घंटा इंतजार किया वो घड़ी आ गई ये मैंने अपना पिकैक्स यहाँ रखा ये मैंने लजुली फजूली यहाँ रखा और फॉर्चून थ्री फाइनली और अनब्रेकिंग थ्री भी मिल गया ओ भाई साहब बहुत खुशी हो रही है मुझे फॉर्चून थ्री के साथ अनब्रेकिंग थ्री भी मिल गया बहुत यार और यदि एनवे लाओ मुझे और बो मिला है तो मैं वो कंबाइन करता हूँ इधर ये रखो बो और ये देखो ये रहा वो ओके यहाँ पे रखते हैं और इसे कंबाइन कर लेते हैं ऐसी की तैसी और तू इधर आ और इसको भी मैं कम्बाइन कर लेता हूँ अच्छा हाँ उल्टा रखना पड़ेगा ना उस टाइम मैंने उल्टा रखा था ऐसी की तरह ओके नाइस मेरे पास अच्छी बो आ गई है ना ब्रेकिंग टू पॉइंट टू पावर है बहुत सही लेकिन गई वही बात है फिर से मेरी एक्सपी देखो टू हो गई थर्टी से डायरेक्ट टू चलो कोई नहीं यार मैं एक, एक और एक्सपी फार्म बनाऊंगा वो कैक्टस वाला जो बीस शुभ बनाए थे वो बहुत अच्छा एक्सपी फार्म है वो हमें एक्चुअली ज्यादा एक्सपी प्रोवाइड करता है और फॉर्चुन थ्री में माइनिंग करने जाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में डायमंड्स की माइनिंग करूंगा तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना जरूर ठीक है सो आज के माइन के एपिसोड के बस इतना ही अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और कम से कम मेरे लिए लाइक कर दो यार डेढ़ घंटा बैठ के भी जमा किया है ओके तो मैं मिलता हूँ हम लोगों से अगली वीडियो में तब तक लिए बाय बाय वीडियो को लाइक करो सौ लाइक्स कर दो सौ लाइक्स कराएगा कर और क्या ही कर सकते हैं चलो बाय बाय